शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आमदार निवास में पिछले कई दिनों से सैकड़ों मरीज क्वारंटाइन हुए हैं, लेकिन उन्हें खाना समय पर और अच्छा नहीं मिलने की शिकायत क्वारंटाइन किए हुए लोगों ने की है। कोरोना संक्रमितों की जांच करने के लिए शहर के अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में सैकड़ों लोगों को रखा गया है। ऐसे में इन लोगों को चाय, नाश्ता और दो टाइम का खाना देने का काम निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। विभागीय कार्यालय द्वारा पहले खाने का ठेका किसी निजी कंपनी के एक ठेकेदार को दिया गया था, लेकिन उसका ठेका पूरा हो जाने से फिर से खाने का ठेका और किसी नए ठेकेदार को दिया गया। लेकिन समय समय पर इन क्वारंटाइन किए गए लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। चाय, नाश्ता और भोजन के टाइम में काफी देर हो रही है। इतना ही नहीं तो खाना नीचे लाकर रखा जाता है, लेकिन रूम तक नहीं पहुंचा रहे हैं। ऐसे में ठेकेदार के कामों पर कई सवाल निशान लगाए जा रहे हैं। नाश्ते के टाइम नाश्ता और चाय के टाइम चाय और भोजन के समय भोजन देने की मांग क्वारंटाइन किए हुए लोग अब कर रहे हैं। इसकी जानकारी विभागीय कार्यालय को दी गई है, जिसके चलते समय पर क्वारंटाइन लोगों को खाना मिलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। पिछले कई महीनों से आमदार निवास के क्वारंटाइन सेंटर में कई ऐसे लोग हैं जिनकी जांच होना बाकी है, उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। ऐसे सैकड़ों की संख्या में जो मरीज हैं, उनको खान पान की कोई भी बराबर व्यवस्था वहां नहीं दी जा रही है, ऐसे उन लोगों का कहना है। इस बारे में विभागीय कार्यालय से जब संपर्क साधा गया तो ये बात पता चली कि पहले के ठेकेदार का जो कामकाज था वो पूरी तरह से बंद हुआ है, जिसके चलते अब नए ठेकेदार को वहाँ पे नियुक्त किया गया है। अब लोगों को सही खाना मिलने के पूरे पूर आसार वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नागपुर के आमदार निवास क्वारंटाइन सेंटर से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।